हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू शिवाशी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ गोभी आलू की। गोभी आलू तो सभी लोग बनाते होंगे, लेकिन कुछ लोगों की गोभी खड़ी बनती है। तो हमें चाहिए बिल्कुल एकदम बढ़िया मुलायम गोभी और एकदम जायकेदार मसालेदार गोभी। इसलिए आज हम गोभी बनाने जाएंगे कुकर में। तो सबसे पहले गोभी को कट कर लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक गोभी का फूल निकाल लिया, और उसको बीच में से जरूर चेक कर लें, क्योंकि गोभी में बहुत ज्यादा सूढ़ी वगैरह निकल जाती है। इसलिए गोभी को जब भी कट करें या काटें तो बिल्कुल ध्यान से देख के। और उसके बाद हमने आलू लिए हैं चार, उनको भी हम थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा काट लेंगे, जैसे कि मैं कट कर रही हूँ बीच में से। तो आप फटाफट से ऐसे ही गोभी को और आलू को लेके खूब अच्छे से कट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक गोभी का फूल लिया है 250 ग्राम का और चार आलू लिए हैं। तो ये देखिए मेरी गोभी कट हो रही है, और साथ ही साथ मैं गोभी कट करते करते आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि बीच बीच में से आपको कैसे चेक करना है। आपको इतने साइज का एक फ्लावर लेना है गोभी का, और उसको फिर बीच में से देख लेना है। उसके बाद देखिए मेरे गोभी आलू कट हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी मटर मैंने पहले से छील के रख रखी थी, तो मटर के दाने मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। 100 ग्राम मटर मैंने इसमें ऐड करी है गोभी आलू में। तो फटाफट से आप भी इसमें मटर के दाने ऐड कर दीजिए, क्योंकि मटर गोभी आलू बहुत टेस्टी लगते हैं। अब ये देखिए तीनों को मैंने अच्छे से धो दिया है, गोभी मटर आलू को, उसके बाद उसको साइड में रख दिया। अब यहाँ मैंने एक प्याज और एक टमाटर लिया है, तो फटाफट से प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे और टमाटर को भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो एक प्याज और एक टमाटर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हम मसाला नहीं पीसेंगे, सिर्फ ऐसे ही कट करके डालेंगे। तो गैस ऑन करके फटाफट से उस पर कुकर रख दीजिए, और कुकर गर्म होने के बाद उसमें 2 बिग टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया है, और आप भी ऐसे ही ऑयल इसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हमें प्याज ऐड करनी है, क्योंकि तेल जब तक ठंडा होगा तो उसमें प्याज अगर आप ऐड कर दोगे तो वो कच्ची रह जाएगी। इसलिए तेल को पहले अच्छे से गर्म होने दीजिएगा, उसके बाद उसमें प्याज ऐड कर दीजिएगा। जब प्याज अच्छे से भून जाए आप उसको खूब अच्छे से चला दीजिए, खूब अच्छे से जब वो रेड कलर में हो जाए तब उसमें हींग चुटकी भर आप ऐड कर दीजिए। सबके यहाँ होगी हींग, हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे जीरा पाउडर, हल्दी, नमक, जितने भी हमारे मसाले हैं वो सारे मसाले। तो मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड करा है 1 टेबल स्पून, उसके बाद मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड करा है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड करा है, और सारे मसाले मैंने इसमें अच्छे से ऐड कर दिए। उसके बाद मैंने अब अपने गोभी मटर आलू इसमें ऐड करूंगी। तो आपको मसाले जीरा, हींग, हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर, ये सारे मसाले स्वाद अनुसार आप लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गोभी मटर आलू की सब्जी। तो फटाफट से देखिए मैंने खूब अच्छे से जो गोभी धोई थी उसको इसमें ऐड कर दिया है मसालों के साथ, और अब खूब अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए, जिससे मसाले खूब अच्छे से गोभी आलू के साथ मिक्स हो जाए। हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे गाइस, आपने देखा होगा मैंने एक बूंद भी पानी नहीं डाला है, क्योंकि गोभी ऑलरेडी बहुत पानी छोड़ती है। तो बस ये देखिए गोभी मटर आलू मैंने खूब अच्छे से मसाले से मिक्स करके रख दिए, और अब ये हमारी 3 सीटी हमने लगाई है और बढ़िया जायकेदार गोभी मटर आलू की सब्जी बनके तैयार हो गई है। इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी कि आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। एक बार जरूर ट्राई करिए घर पे बना के, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी गोभी मटर आलू की रेसिपी कैसी लगी। गाइज, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस और रेसिपीज अच्छे लगते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, shivashi_ki_rasoi, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप लोग जाके मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए, नीचे दिए बेल आइकन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी मेरे बहुत अच्छी रेसिपीज मैंने अपलोड कर रखी है, एक बार उन रेसिपीज को भी जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छी रेसिपी की आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।